सो हमारा क्वेश्चन है कि ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका सेम ऑर्डर है फर्स्ट डॉट ए बी इक्वल्स टू बी। हमें प्रूफ करना है इंडक्शन से कि ए बी की पावर एन इक्वल्स टू बी रेज टू पावर एन ए। तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो हम लेट कर लेंगे एस वन इक्वल्स टू ए बी की पावर एन इक्वल्स टू बी की पावर एन इंटू ए, राइट। तो हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर n equals to 1. So for n equals to 1, AB equals to BA, right? So S1 is true for n equals to 1. Then हम n को assume करेंगे k. Let us assume for n equals to k, राइट। तुम्हारे पास आ गया ए बी की पार के इक्वल्स टू बी की पार के इंटू ए। अब हम एन को लेंगे के प्लस वन, सो फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन ए इंटू बी के प्लस वन। पहले हम कंसीडर करेंगे एलएचएस को, और एलएचएस को हम शो कर देंगे आरएचएस के, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू बी की पावर k इंटू बी, और अभी हमने ऊपर प्रूव करा है कि a इंटू बी की पावर k इक्वल होता है बी के इंटू ए। तो इसे हम लिख सकते हैं b की पावर k a इंटू बी, राइट। और इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ए बी इक्वल है बी ए के, तो इसे हम लिख सकते हैं b k इंटू बी इंटू ए। तो ये इक्वल आ गया बी के प्लस वन इंटू ए विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो हम अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एस वन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन इफ इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। तो एस वन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। नाउ सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, हमें प्रूव करना है कि ए बी की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। तो इसके लिए हम इसे लेट करेंगे एस टू इक्वल्स टू ए बी की पावर एन इक्वल्स टू ए एन बी एन। इससे पहले हम ट्रू दिखाएंगे फॉर वन, तो फॉर एन की इक्वल्स टू वन हमारे पास आ गया ए बी इक्वल्स टू ए बी, राइट। देन एस टू इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। नाउ हम अज्यूम करेंगे कि एस ट्रू है एन इक्वल्स टू के। अज्यूम S2 is true for n equals to k. तो हमारे पास आ जाएगा ये ए बी की पावर के इक्वल्स टू ए की पावर के बी की पावर के, राइट। तो फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन एल एच एस इक्वल्स टू ए बी की पावर के प्लस वन, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी की पावर के इंटू ए बी, राइट। देन अगर इसे हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा, हमने अभी ऊपर प्रूफ करा है कि ए बी के इक्वल्स टू ए के बी के, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर के बी की पावर के इंटू ए बी, राइट। देन बी के ए को हमने अभी प्रूफ करा था कि वह ए बी ए के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए के इंटू ए बी के इंटू बी। तो ए की पावर के इंटू ए हो जाएगा इक्वल ए के प्लस वन, राइट, इंटू बी की पावर के प्लस वन, राइट। तो इट इज इक्वल्स टू आर एच एस, राइट। तो एस टू इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन इफ इट इज true
एन इक्वल्स टू के,